जिले में किसानों को नहीं होगी खाद की समस्या, निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध रहेगी खाद, बलदेव औलख राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने कहा कि रामपुर जिले में खाद की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित मूल्य पर ही किसानों के लिए खाद उपलब्ध रहेगी। इसी के संबंध में रामपुर गेस्ट हाउस पर सहायक निबंधक कोऑपरेटिव आलोक कुमार व जिला कृषि अधिकारी चंद्रगुप्त सागर के साथ बैठ कर इस विषय पर जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत तो मेरे संज्ञान में 3-4 दिन से 5 दिन से आ रहा है कि खाद की, यूरिया की खाद की बहुत बड़ी किल्लत है और मैं उसको महसूस भी कर रहा था। और मैंने परसों 4 दिन पहले कॉपरेटिव मिनिस्टर माननीय जो सहकारिता के मंत्री माननीय मुकुल बिहारी बिहारी लाल जी वर्मा जी से भी चर्चा करी और वहाँ पर डायरेक्टर कॉपरेटिव से भी बात करी और इन सब लोगों से बात करके कि खाद की कमी है और आप प्रयास करिए, हमें रामपुर में खास करके बहुत किल्लत है क्योंकि रामपुर में बिलासपुर है, स्वार है, पूरा रामपुर ही बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव किसान लोग हैं और इसमें खाद की चाहे धान हो, गन्ना हो और भी फसलें हों, उनमें खाद की ज़रूरत है। तो इससे उन्होंने सपने फैक्ट्री है वहाँ भी मंत्री जी ने बात करके पूरा उनको खाद देने का कहने के कहा है। और दूसरी बात, मैं आज मैं जिला कृषि अधिकारी और एआर कॉपरेटिव को मैंने अभी बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली कि आप कैसे, तो एक रैक भी लग चुकी है जिसमें कि 60,000 रुपये की कट्टा है और डेली जो है 5,000 कट्टा मुरादाबाद का हमने मैंने कोशिश करी है कि डीआर मुरादाबाद को कह के कि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी नहीं है तो इसलिए वहाँ से हमने 5,000 कट्टा डेली रामपुर के लिए मैंने उनको कहा है, वो 5,000 कट्टा भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने आज से। और ये लगातार मुरादाबाद भी रामपुर को खाद देता रहेगा, जो रामपुर में ऑलरेडी 5,000 और ये रेट जो लगी है वो आती रहेगी। मुझे लगता है कि ये कल और परसों, क्योंकि आज और कल तो लॉकडाउन है और सोमवार को सभी सोसाइटियों में भरपूर खाद किसानों को मिलेगी और बिल्कुल कोई भी एक भी रुपया कोई फालतू कहीं भी दुकान पे कोई ऐसा नहीं लिया जाएगा। मैंने आज इनको कॉपरेटिव को और कृषि अधिकारी को निर्देशित किया है, मेरे पास पूरे रामपुर में 85,000 कट्टा परसों आपको पूरे रामपुर में हर जगह मिलेगा, खास करके कॉपरेटिव सोसाइटी उनके जो स्टोर हैं वहाँ पे रहेगा और जो सोसाइटी है दूसरे इफको को डायरेक्ट खाद दे रहा है, जो और भी कॉपरेटिव से संबंधित जो सोसाइटियाँ हैं उनको भी खाद देने का काम करेंगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रामपुर में कोई भी खाद की किल्लत नहीं होगी और हम पूरा प्रयास पूरा अधिकारियों के साथ बैठ के आज भी मैंने इस पर बहुत चर्चा करी और कहीं और भी कहना है और भी करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर और आप अपने अपने स्टोरों में सोमवार से भरपूर खाद, जितनी किसी को खाद चाहिए वो अपनी खाद ले सकता है, कोई मारामारी नहीं होनी चाहिए, खाद की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत अपने दुकानों पे, सोसाइटीज़ पे और सब पे जो जो भी सेंटर्स हैं, आप अपना इस कोरोना की महामारी में आप अपने को बचाते हुए और दूसरों को भी बचाते हुए आप लाइन बना के, थोड़ा सा गैप बना के, 2 मीटर की दूरी रखे, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इसको अपने खाद को लें और अपने अपने घरों में जाके अपनी फसल को डालें। यही मैं कहना चाहता हूँ, कोई किल्लत नहीं है, कोई मारामारी नहीं है। आपको 2 कट्टे की ज़रूरत है तो 2 लीजिए, आपको 10 कट्टे की ज़रूरत है 10 कट्टे लीजिए, मगर स्टोर नहीं करनी क्योंकि दूसरे को भी कट्टे मिल सके, इसलिए जितनी आपको आवश्यकता अपने खेतों के मुताबिक उतनी आप खाद लें, खाद की कोई कमी नहीं, ये मैं आपसे